Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Welcome to Sharda's World. शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज है थर्सडे इवनिंग और आज के ब्लॉग की शुरुआत में अभी से कर रही हूँ। अभी मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी, तो आटा मैंने लगा लिया है और एक पेस्ट बनाऊंगी जिसकी तैयारी चल रही है। मैंने एक छोटा सा प्याज, 5 से 6 क्लोव गार्लिक, 1 इंच अदरक और 1 इंच कच्ची हल्दी लिए हैं। ये देखिए, कच्ची हल्दी भी लेना है इस सब्जी में। इन सभी चीजों का पेस्ट बना लेना है। और इधर दिनेश जी करने लगे हैं दिया बाती की तैयारी। पैन में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है और इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राधुनी सेलरी सीड का तड़का जाएगा। आज जो मैं सब्जी बना रही हूँ उसमें राधुनी का जो मैंने तड़का ऐड किया है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो ये तड़का मस्ट ऐड करना। अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। फिर मैंने 2 तेज पत्ता ऐड कर दिया है और तड़का जब क्रैकल हो जाएगा तो ये प्याज, अदरक, लहसुन और कच्ची हल्दी का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कच्ची हल्दी ऐड कर रखा है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। पनीर की सब्जी के साथ मैं खीर भी बना रही हूँ, तो दूसरे साइड मैंने खीर भी चढ़ा रखा है और लहसुन के कच्चापन के हटने तक मसाला को सौटे कर लेना है। फिर इसमें ये मैजिक मसाला जाएगा, ये भी मस्ट ऐड करना। 1 पाउच मैंने मैजिक मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ी देर सौटे कर लिया था। फिर ये देखिए, कुकर में मैंने 2 व्हिसिल आने तक आलू, मटर, गाजर और 3 टमाटर को उबाल लिए थे। टमाटर मैंने सैलेड वाला यूज किया था, अगर आप देसी वाला खट्टा यूज करते हो तो 2 ही लेना। इसमें से टमाटर निकाल के ऐड करेंगे और टमाटर का छिलका हटा देंगे। सारे टमाटर का छिलका हटाने के बाद फिर टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर देना है और मसाला को फिर से एक बार तकरीबन 1/2 से 1 मिनट तक भून लेना है, जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ने लगता। मसाला जब अच्छी तरह से भून जाएगा फिर मैंने जो मटर, आलू, गाजर को बॉईल करके रखे हैं उसको ऐड कर देना है। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। अगर तैयारी पहले से की हुई हो तो झट से तैयार हो जाती है। मटर, आलू, गाजर ऐड करने के बाद मैंने ब्रोकली को ब्लांच करके रखा था, उसको भी ऐड कर देना है। ब्रोकली ऐड करने के बाद थोड़ा सा तकरीबन 1 कप पानी ऐड करना है, एक बार मिक्स कर लेना है और ढक के थोड़ी देर पका लेना है ताकि ब्रोकली थोड़ा सा पक जाए। जब तक सब्जी पक रही है मैं कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इस सब्जी में 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी जाएगा, तो बस थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके कसूरी मेथी का पाउडर बना लिया मैंने और पनीर को भी फ्राई कर लूंगी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिए हैं। पनीर को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है और पनीर की मात्रा या कोई भी सब्जी जो मैंने इसमें यूज किया है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए आप पे डिपेंड करता है। पनीर अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया था, कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया था। थोड़ी देर सब्जी को पकने दिया और लास्ट में फिर घर की फ्रेश मलाई ऐड कर देना है। मलाई ऐड करने के बाद सब्जी डन है। तो सब्जी डन है और खीर भी डन है। झटपट से मैं रोटी सेक लूंगी। मेरे घर में सबको रोटी पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के सेक के बहुत ही अच्छा लगता है, तो मोस्टली मैं वही बनाती हूँ। पतला पतला रोटी बनाती हूँ और थोड़ा सा उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा के सेक लेती हूँ। और ये है आज के डिनर की थाली, आलू, मटर, गाजर, ब्रोकली, पनीर की मिक्स सब्जी, साथ में खीर। मैं और दिनेश जी तो ऐसे ही खीर लेंगे। सरस्वती के खीर में थोड़ा सा मैंने जैगरी पाउडर मिक्स किया है। Slip my
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग। मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता, और आज के दिन मेरा फास्ट होता है, तो सिर्फ मैं सासवती और दिनेश जी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। सुबह की चाय हो चुकी है और आज नाश्ते में बन रहा है ओट्स। पानी मैंने गैस पे बनने के लिए चढ़ा दिया है, जिसमें मैं ओट्स बनाऊंगी, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। ओट्स खत्म था तो पहले डब्बे में फिल कर लेते हैं। Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. But you got me here, then you. सासवती वाले में थोड़ा सा मैं मेपल सिरप ऐड करूंगी। आज उसको मेपल सिरप के साथ खाना है ओट्स। तो जी ये देखिए लग गई है आज की हमारे नाश्ते की थाली। मैं लूंगी फ्रूट्स, सासवती लेगी फ्रूटी ओट्स, ओट्स विथ पपाया, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना, और ये है दिनेश जी की थाली। दिनेश जी लेंगे ओट्स विथ पपाया और खूब सारा मिक्स सीड के साथ, पंपकिन सीड, खरबूजे के बीज, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, और भी बहुत सारे सीड्स हैं। मेरे ख्याल से सनफ्लावर सीड है, सिसमे सीड है, एक दो का तो मुझे नाम ही नहीं पता। साथ में चाय भी डन है। सासवती चाय नहीं पिएगी क्योंकि एक बार उसका हो चुका है। मैं कभी कभार दो बार ले लेती हूँ फास्ट के दिन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो हम सबका फेवरेट नाश्ता लग गया है। हम लोगों का ये नाश्ता बहुत ही फेवरेट है। सासवती इसको फ्रूटी ओट्स कहती है। मोस्टली वो सुबह के नाश्ते में यही पसंद करती है, संभवी भी वहाँ पर यही खाती है। आज भी उसका एग्जाम है तो सुबह सुबह उसने भी यही खाया है। उसने बनाना एप्पल ओट्स खाया है। ओट्स हर घर की आजकल जरूरत है, लेकिन कभी कभी इसे खाना बोरिंग लगने लगता है, तो थोड़ा सा फ्रूट्स चेंज करके, वेजिटेबल्स चेंज करके अगर हम इंटरेस्टिंग बना के खाएंगे तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे घर का तो ये बहुत ही फेवरेट फूड है। दिन में एक बार तो मस्ट हम लोग लेते ही हैं, चाहे डिनर में हो, चाहे लंच में हो, चाहे ब्रेकफास्ट में हो, एक टाइम ओट्स मस्ट है। ग्रोसरी का काम दो तीन दिन से पेंडिंग था, आज दिनेश जी जल्दी आ गए हैं ऑफिस से, तो बस करके आते हैं, और सासवती का भी थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। सजवान ये ले लूँ, सजवान स्टार फ्राइज आप अच्छा बना देना, एक ले लेती हूँ इमरजेंसी के लिए, कभी कभार कभी कभार के लिए, वैसे तो कभी खा सकता हूँ। चलो ना, मुझे एक फ्रेश पता चल लिया, फॉल पेपर विंटेक्स या कोई करू लो लिया, फॉल पेपर हाँ खत्म छे। आपको स्ट्रॉबेरी सिरप लेना था ना, और मूंग दाल एक हींग ले लो वहाँ से, वो एवरेस्ट वाला बड़ा वाला हींग ले लो, हाँ हींग हो गया। ये जावित्री ले लेते हैं, जावित्री खत्म है, और काली मिर्च भी ले लूँ चुनू? हाँ ले लो मोम। और यहाँ से मस्टर्ड ऑयल, घी, तिल का तेल भी ले लेते हैं दिया दिखाने के लिए। और नारियल का तेल, नारियल के तेल में पराठा खाना बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को, है ना जुन्नू? कितना पसंद है ना हम लोगों को? हाँ सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है।
चुनू सारा कुछ आपने याद कर लिया ना, जो जो मैंने आपको बोला था कुछ? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे दो ही चीजें बोली थी, और उसमें से आप मुझे कितना बोलोगे बार बार? कुछ छूट तो नहीं रहा है, याद कर लो। नहीं नहीं छूट रहा। भूल गए ना हार्पिक? मैंने आपको बोल दिया था वो आते ही शॉप के अंदर। और प्रिल लाइजोल कौन याद दिलाएगा? मैंने बोला था आते ही मम्मा शॉप के अंदर हार्पिक प्रिल और लाइजोल लेना। आपने बोला चुन्नू थोड़ी देर रुक जाओ मेरे खाने का सामान ले लेते हैं, और अब आप मुझे तारा मार रहे हो। ट्राई नहीं किया ना अपने वक्त? ट्राई करोगी? ले लो दो है, ये भी नया देख रहे हैं, ये भी तुम ट्राई नहीं की हो। चीजी हम चीज लगवाते दस। ये क्या था? ये हर सोडा था। दोनों ले लो ना, एक दिन दोनों चक्के देखना क्या टेस्ट है। ओके Was it always meant to be a dream? No inside in the middle of the night. तो जी ग्रोसरी करके अभी हम लोग आ गए घर वापस। सरस्वती स्पेशल हम लोग चाय पियेंगे। हाँ। और किचन को प्लीज फ्रेंड्स इग्नोर करना, बहुत मेस है, बहुत मेस है, क्योंकि जैसा था वैसा ही छोड़ के मैं चली गई थी मार्केट। अभी ठीक करूंगी, पहले सरस्वती के हाथ का चाय पियेंगे, फिर किचन ठीक करूंगी, फिर ग्रोसरी रखना है। तो ब्लॉग आज यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीक मंडे को नए ब्लॉग के साथ। नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। लाइक जरूर करना ब्लॉग को। मेरे गाल कितने लाल हो गए हैं। मेरे भी लाल हो गए ना। लाइक जरूर करना ब्लॉग को। बाय बाय।